मैंने फिर इस किताब के साथ एक तकरीबन पचास सफे की फरहंग लगाई और जो मतलब थे उनको एक्सप्लेन भी किया एनीवे दैट दैट वाज अ ग्रेट प्रोजेक्ट इट द ट्रांसलेशन डॉक्टर साहब ये, ये सारी किताब जो थी और ये काफी बड़ी किताब थी मैंने देखी है इंग्लिश में देखी थी मैंने किताब और इसके बाद तो, हमारी तो, जो है वो सेवन थ्री एडवेंटिस्ट में मुल्तान रोड में उसमें लाइब्रेरी में गया था मैंने वहां ये, देखी थी। ये और मैंने वो भी और जिस इस किताब को मैंने टेस्ट करना चाहिए इसकी अफादियत क्या है तो मैंने लाहौर महकमा से एक मीटिंग की और उसमें मैंने बहुत हेल्प प्रोफेशनल इन्वाइट की है जिसमें डॉक्टर्स नर्सेस और वगैरह वगैरह काफी हकीम वगैरह आए तो वो मुझे कहने लगे जी ये बात तो बड़ी अच्छी है तो किसी ने कहा ये आपने किसके लिए लिखी है मैंने कहा जी मैंने ये डॉक्टरों नर्सों हकीमों, जो है फार्मासडिकल स्टाफ इनके लिए इनके मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए लिखी है तो किसी ने बड़ा शानदार एक आइडिया दिया कहने लगा बशीर साहब ये हैक चीज बड़ी अच्छी है, है। लेकिन अगर आप इसको आम फहम करें तो वाकई जहां डॉक्टर नहीं है उनके काम आ सकती है मैंने कहा यार ये ये तो बात वाकई सही है मैंने जैसे आम आजमाईश होती है जहां अंग्रेजी का मुश्किल لفظ आया मैंने फारसी अरबी का वहां ठोस का लफ्ज बड़ा ढूंढ के निकाला मिसाल के तौर पे जब अंग्रेजी का लफ्ज आया ना एथ्रोस्लोरोस तो अंग्रेजी बोलने वालों को बहुत कम लोगों को ये लफ्ज आता है एथ्रोस्लोरोस मैंने जब इसको उर्दू में लिखा तो मैंने इसको तसलब शराइन कह दिया मैं कहा या, वैसे ही हमने भी कर दिया और <laughs> ऐसे जब हाई ब्लड प्रेशर में तो आम लफ्ज इस्तेमाल है जनाब उसके लिए बुलंद फिशारे खून की चक्कर में पड़ गए तो मैंने कहा ये वाकई सही है ये तो बड़ा अच्छा लगता है बड़ा लफ्ज इस्तेमाल किया है मैंने कहा लेकिन ये बात तो नहीं है हमारे मेरी मेरी बेबी ने समझ नहीं होनी मेरे चाचियों ने भी समझने जिनको जो पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल और जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं और जो मेडिकल नॉलेज से वाकिफ नहीं है उनकी समझ में तो फिर नहीं आएगा Hmm. It took me again two more years to simplify what I had read and uh, written. और जब से, से बातचीत हो रही है क्योंकि मैं जब पहली दफा मैं इंटरव्यू ले रहा हूं बाकायदा तो मैंने जब आपको मैंने महसूस किया आपकी जिंदगी को देखा और आपके इशार को आपकी बातों को आपके अंदर वो जो समाज का समाज की मोहब्बत है माँ बाप की मोहब्बत है रिश्तेदारों की और इर्द गिर्द के लोगों की मोहब्बत जो है वो यस्सुअ मसीह की जो बात है वो प्यारी सी गुफ्तु है कि जो तेरे, तेरा हमसाया कौन है तो हम ऐसी जब बात करते हैं तो वो जो बंदा मेरे साथ है जहां भी मैं हूं जो मुश्किल में है जो परेशानी में है वो मेरा हमसाया है मुझे वैसा ही प्यार करना चाहिए जै मैं चाहता हूं कि मेरे साथ लोग करें जैसा तुम चाहते हो तो मैं चलता हूँ थोड़ा सा ये बात जो है ना वो करेंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा जैसे आपके ये अंदर जो दर्द है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की जो मसीही कौम है आजकल जो है या जब से पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया है और पाकिस्तान के कुछ जो लोग हैं हमारे जैसे जो मेहनत करते हैं पढ़ते हैं वो आगे चले जाते हैं और वही जो तबका जो है वो पिसता रहता है और उनके अंदर वो चीज पैदा नहीं होती कि यार चले ये आ गया है तो मैं भी निकला हूं तो कौन सी मुश्किल हैं पाकिस्तान के मसीहों में कोई दो चार बातें बताएं और फिर हम अगले जी बा, बा, बात ये है जैसे लोग ना माने या ना माने मैं अपने आप को कहूंगा मैं छोटा हूं हुँ. गरीब हूं तो जब मैं बड़ा बन जाता हूं तो मैं दूसरों को नीचा ही दिखाना चाहता हूँ जी 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 मैं अपने आप को पाटे खान ही समझना चाहता हूँ बास ही समझना चाहता हूँ और मैं ये नहीं देखना चाहता कि को कोई मुझसे ज्यादा तरक्की करे या बड़ा हो जाए वो मेरा मेरा दस्ते निगर ही रहे मेरे डाउन ही रहे दी दी। वो मुझसे कोई तरक्की कर रहा है तो मैं उसको नीचे करूंगा ये हमारा <laughs> मुझे अपने आप को कौम तो कहना नहीं चाहिए कौम नहीं उनको हमको गिना जाता हम अपने आपको पाकिस्तानी कौम ही कहते हैं लेकिन हम क्या है इसका हमें खुद भी पता नहीं है क्योंकि वो हमें उस कौम में शामिल नहीं करना चाहते ते अजी लगे फिर बात यह है कि हमारी से अपनी से अपनी हैसियत जो है आइडेंटिटी जो है वो है ही नहीं है तो बात यह है कि वो हमें काम नहीं देते पढ़ाई किए हुए को भी काम नहीं देते मैं जानता हूँ एक बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग की हुई है क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से वो मुझे कह रहा है मेरी करो मैंने कहा यार तेरी हेल्प की है तू ग्रेजुएट है कहता जी मैं ग्रेजुएट हूँ मैं काम भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे रखा हुआ तो मेरी तालीम के मुताबिक है लेकिन ना मुझे वो तनख्वाह दी जाती है जिसका मैं हकदार हूं क्योंकि मैं उनके मजहब का नहीं तो ये ऐसी चीजें हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन के मुताबिक हमें काम नहीं दिया जाता काम दिया जाता है तो सैलरी नहीं दी जाती नहीं दी। लिहाजा मतलब ये कि सबसे पहले तो यही है ना मसला जो आप बता रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन है कि हमारे मसीही लोगों को और दूसरे जो नीचे तबके के रिलीजियस कम्युनिटीज है माइनॉरिटीज है उनको जाता है उनको जाता है उनको हमारे हमारे जो रहन है उनके उनकी रिपोर्ट्स उनके बयान पड़े जाए कहते हैं लड़ाई करने को तैयार होते, होते हैं कहते हैं हमें हमारे मुल्क में हमें कोई मसला नहीं है हम तो वही तरक्की कर रहे हैं जैसे दूसरे कर रहे हैं बड़े बजे तो होकर बहस करते हैं कहते हैं नहीं ऐसी बात कोई भी नहीं है अरे यार हमें पता है वहां जाके हम देखो कहते हैं कि नक्शों पे तुम ना जाओ लोगों में फिर के देखो बिल्कुल मौलाना न्याजी ने, ने शेर लिखा था अपनी किताब में 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 मेरा ख्याल है। लोगों लोगों फिर फिर नक्शों पे तुम ना जाओ, लोगों में फिर के देखो क्या चीज जी रही है ये मतलब हमारे इस इंटरव्यू से जब ये इंटरव्यू लोगों तक जाएगा और हम इसको भेजेंगे यूट्यूब पे ऊपर कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये मुश्किल हैं कि चलो एक या दो या दस बंदे इस हमारे इस वीडियो से फायदा उनको मिले या उनको मालूम मिले या उनको एक इंसेंटिव मिले या उनको एक अच्छी अच्छी बात मिले जिससे वो सीखें कि यार मैंने चेंज होना है और हमने वैसी एक जो है यही जो है जिस पर आप काम कर रहे हैं तालीम इल्म हासिल करें और यही हमारा असास् है और फिर जब हमारे जैसा हमारा टॉपिक है कि नौजवान हमारा कीमती असास्था तो क्या आप समझते हैं कि आजकल का जो नौजवान है क्या वो अपने पांव पर खड़ा है या उनको किन चीजों की जरूरत है हमारा हमारा मसला सिंपल है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है हमारी समझ में है भी और नहीं भी है जी जी उसकी वजह यह है हमारे हमारा मसला एक है जो जहालत Hmm. Education, education, education. Very... Hmm. Hmm. किए जाते हैं मैं गया था आज चार पांच साल पहले छह सात साल पहले की बात है मैं ये जबूरों के प्रमोट कर रहा था उसके साथ साथ मेरा असली मकसद नौजवानों को तालीम की तरफ रागब करना था उनकी मदद करना था और मैं ढूंढ रहा था बच्चे मुझे हर में मिले, मिले दस पंद्रह बच्चे मैं ये उन दिनों की बात है जब बदामी बाग का मसला हुआ था आ, से, से, मैं गया था वहां पे बदामी बाग मैंने कहा बीस बच्चों को मैंने नर्सिंग के लिए स्पॉन्सर करना है हुँ. आप यकीन कीजिए मैंने लोकल पादरियों को साथ साथ लिया वो मेरे साथ गए हमें वहां से एक बच्चा भी ना मिला ये नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे तालीम याफ्ता थे लेकिन नर्सिंग स्कूल्स की रिक्वायरमेंट मैट्रिक साइंस में थी और उन्होंने साइंस नहीं की हुई थी तो इसलिए कुड नॉट पिक है नही मैं उसके बाद कसूर की तरफ भी गया वहां भी मीटिंग है वहां पर भी मुझे कोई बच्चा ना मिला मैंने कहा क्या बात है कोई कताजी जी नहीं हमें हम पढ़े लिखे हैं एक कताजी मैं आ, आ, बीए की था है तो मैंने कहा काम क्या करते और अच्छा बोलते ड्रेस्ट आप कहता अबे दी हेल्प करना मैं क्या बाकी करता है कहता इटा पाना अच्छा तो मैं उधर नाल इटा पाना कंपनी में काम करता है नहीं। मैंने मैट्रिक पास एफए पास बच्चों को देखा है जो इटा पाते हैं कोई नहीं और मैं ये कहता हूं कि एजुकेशन, तो हो बेसिक एजुकेशन जरूर होनी चाहिए लेकिन साइंस साइंस के साथ होने चाहिए साथ पढ़ेंगे तो उनको अच्छे काम मिलेंगे अच्छी ट्रेनिंग्स मिलेंगे बगैर साइंस के वो सिर्फ घूमे फिरेंगे वो घूमे फिरेंगे बाकी क्योंकि अक्सर जो है वो हमारे बच्चे जो है हमारे वालदेन भी वो चाहते हैं कि चले जी हमारा डॉक्टर बच्चा डॉक्टर बन जाए कुछ कुछ लोग एक तबका है हमारा बच्चा डॉक्टर बने हमारा बच्चा इंजीनियर बने उसके लिए मेहनत करते हैं और वो कामयाब भी होते हैं क्योंकि मैंने मैट्रिक साइंस से किया मुझे पता है कि ये जो मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना साइंस के स्टूडेंट्स खासतौर पर, पर वो उनके क्योंकि वो ज्यादा मेहनत की होती है पढ़ा ज्यादा होता है इसलिए वो ज्यादा अच्छे होते हैं तो डॉक्टर साहब एक जो है वो बात है जो आमतौर पर की जाती है कि मेरा ख्याल है मेरा जतीी ख्याल है और कुछ और लोगों का भी ख्याल होगा कि हमारे मजबी और मजबी सियासी और कारोबारी तबके ने नौजवान नस्ल को नजरअंदाज किया है आपका क्या ख्याल है इसके बारे में मैं आपके साथ मुतफिक हूँ जी मैं आपको पंजाबी के चंद अशार सुनाता हूँ वो तो कहते जी. हैं माड़े माड़े दे ये मेरी किताब है तुपा छावा चढ़िया जी तुपा छावा चढ़िया जी जी ये शास ਉਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਮੂਰਖ ਹਮ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕੀਏ ਮਾੜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰਨ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਵਾ 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 ਮਾੜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰਨ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਛਿੱਗੇ ਥੁੱਲਦਾ ਹੈ ਹਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨੀਚ ਵਿਖਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਵਾਂਗ ਪਕਾਨਿਆ ਮੂਰਖ ਐਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦਾਏ ਵਾਹ ਸੁੱਕੀ ਚੌਦਰ ਲੰਬਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਜਦਾ ਏ ਕੁੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜੋ ਹਰ ਚੁੱਲਦਾ ਏ ਹਮ ਔਰ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿੱਛਾ ਓਏ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗਾ ਵਾਹ 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 ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿੱਛਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ बहुत खूब देश बगाने अपने तके बड़ियां अगे खुलता है बात सिर्फ ये है कि जिनको मौका ये मिला है खुदावद की मेहरबानी से और वो अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं उन्हें अपने लोगों की मदद करना चाहिए hmm. मैं अपने कई मसीही अदारों के हेड्स को जानता हूँ जहां मैंने नर्सिंग के लिए बच्चे भेजे उनका नाम लेना अच्छा नहीं लगता मुझे लेकिन जितना जुल्म मसीही बच्चों पे वो ढाते हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते उन पे hmm. साथ वो hmm. बहुत ज्यादा करते हैं आ, uh, हमारे बच्चों को हमने बेसिक एजुकेशन के लिए कई स्कूलों में भेजा मैं कर्ज करता हूँ कि वो हॉस्टल्स में जाएं वजह एक तो वहां पे खाना मिलता है माँ बाप की सुपरविजन जाती है माँ बाप अपना काम कर सकते हैं बेफिक्री से बेफिक्री से बेफिक्री से काम करते हैं तो पहले तो ये चूड़ में भेजा मैं फिर उसके बाद सीटीटीसी में भेजता हूँ वहां पे तीन हॉस्टल्स हैं और वहां पे बेसिक एजुकेशन है एफएससी है बीए का बीएससी भी मेरा ख्याल है तो जो बच्चे नहीं जा सकते वो टेक्निकल ट्रेनिंग में चले जाते हैं इंजीनियरिंग करते हैं और आईटीटी के प्रोग्राम करते हैं दे दे हैव बेटर चांसेस मैं इसके अलावा कराची में 7 डे हॉस्पिटल में नर्सिंग के लिए भेजता रहा हूं सेंट जेम्स है कराची में नर्सिंग के लिए वहां भेजा करता हूं केके स्कूल ऑफ नर्सिंग है वहां भेजा करता था न्यू लाइफ स्कूल ऑफ नर्सिंग है फिर कोइटा स्कूल ऑफ नर्सिंग है होली फैमिली कराची में भेजा करता था लेडी डेफरन है एक दो और नए स्कूल हैं वहां पे बच्चे भेजता हूँ, भेजा करता था अब भी भेजता हूं uh, इस वक्त तकरीबन 250 बच्चे क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं बेसिक एजुकेशन हाई स्कूल और ज्यादातर टेक्निकल ट्रेनिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं कुछ गिरदोनवा में और जगहों पे हैं जो नर्सिंग भी कर रहे हैं या बीएस कर रहे हैं जी डॉक्टर साहब ये यही तो, जो है ना मैंने ये सवाल आगे था कि कितने बच्चों की अब तक आप मामनत कर चुकी हैं माली तौर तकरीबन तकरीबन 6000 से तक बच्चे सीएफए ने टच किए हैं क्रिश्चियन फ्रेंड्स क्रिश्चियन फ्रेंड्स इंटरनेशनल सीएफआई क्रिश्चियन फ्रेंड्स इंटरनेशनल जी अच्छा तकरीबन हज़ार बच्चों की आपने अब तक माली मामन्नत की है मैं, तो उनको इंस्ट्रक्शन दी और उनको है और उनको बैकअप किया है उनको आपने एप्रिशिएट किया है कि वो जाएं सी, और सी हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1990 हुँ. जब ये हुआ था इराक की जंग हुई थी ना हुँ. हमारे कई मसीही वहां से भागे हैं उनको और भी लोग भागे हैं क्योंकि हालात खराब थे हम एक किसी घर में इकट्ठे हुए दुआ करने के लिए हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ने कहा भाई दुआ करो ताकि ये जंग हमें ना करनी पड़े वी गाट टूगेदर और बड़ा अच्छा लगा बड़ा मजा आया कि दिस इज नाइस नाइस जेस्टर कम्युनिटी के लिए वी वी शुड गेट टुगेदर एंड वी हैव वी हैव बीन गैदरिंग वी नेवर स्टॉप्ड तो हमने कहा यार ये चंदा चुंदा जो लेते हैं उसके लिए इसको कहां इस्तेमाल करना चाहिए कोई कहता जी हमें गरीबों के लिए पैसे भेट देने चाहिए तो किसने कहा यार उनियां ते लोड़ा ही नहीं मुक दिया जिनू जिन्ने का लो वो थोड़े ही होते वो थोड़े ही होते नहीं क्योंकि उनरे खरायद बढ़ जाते <laughs> तो फिर हमने एक पढ़ी मिसाल चाइनीज एक पढ़ी उस कहा कि इफ यू हैव अगर आपने किसी भूखे को मछली पकड़ मछली खिला दी है तो आपने उसे एक वक्त का खाना खिलाया है hmm. अच्छी बात है जी. लेकिन उसको मछली पकड़ना सिखा दे तो यू हैव फेड हिम फॉर लाइफ तो yeah. हमारा ये माटो रहा है कि हम उनको पैसे ना भेजें उन्हें पैसे कमाने का गुर सिखाए तो वो हाँ, कैसे हो सकता है हाँ ये ज्यादा देर पर काम भी है और यही काम है जो जिंदगी को तब्दील करता है पैसा तब्दील करता है वो चंद लम्हों के लिए और वो खा जाते हैं लोग चीज खरीद लेते हैं और उसके बाद खत्म हो जाता है पैसा लेकिन वो गरीब गरीब हाँ, है जरूरतें कम नहीं होती किसी की बिजली का बिल है किसी के खाने का है कोई बीमार हो जाता है वो बड़े वैलिड रीजन है गुड है लेकिन देखो हम सिर्फ वो पैसा कमाने वाली बात पे आते हैं बच्चों को एजुकेशन पड़े प्राइमरी एजुकेशन आगे हाई स्कूल के आज फिर उसको ट्रेनिंग करें ट्रेनिंग करें ऐसी जो मार्केटबल स्किल्स है और आप देखें कि मार्केटबल स्किल्स क्या है और वही भाई छोटी सी दुकान तुम तो अपनी के बना लो और हमें अपने बड़े लीडरों को ये अनकर्ज करना है आपके सवाल का एक पहलू ये है कि हमने अपने अपने जो राह दीन है Hmm. सब कुछ उनके हवाले किया है पॉलिटिक्स भी उनके हवाले की है सोशल वर्क भी उनके हवाले किया है सार uh, कुछ किया है और दे हैव नॉट डन ए गुड जॉब एट ऑल गली गली में हम जलसे करते हैं गली गली में हम मनाती करते हैं दिस इज अ वेरी गुड जॉब वेरी गुड वर्क आई एम अमिलरी ग्रेजुएट माई लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये अच्छी बात है लेकिन उसके साथ साथ उनको आप स्किल्स इनकर्ज करें अच्छे कामों के लिए इनकर्ज करें सपोर्ट करें अगर ले मेंबर अच्छे होंगे खाते पीते होंगे तो हमारा चंदा भी बढ़ेगा मेरी बात समझ आई ना बिल्कुल हमारा चंदा भी बढ़ेगा अगर वो नहीं है गांव में हम आटा लेके जाते थे दाने लेके जाते थे चंदे के तौर पर अब वो जमाना नहीं रहा है भी, वैसे भी चुने हुए होते हैं लेकिन रिलीजियस लीडर्स जो हमारे हैं उनको इनकरज करें कि अपनी चर्च मेंस को के बच्चों को स्कूल में भेजें और उनको इनकरज करें कि वो मीनिंगफुल एजुकेशन हासिल करें और मीनिंगफुल एजुकेशन में science जरूरी है, जरूरी है। में, जी। मेरी एक की की, एक किताब किताब ज़बूरों की के लिए इनके सिलसिले में एक मीटिंग हुई थी लाहौर में और उसमें हमारे बड़े बड़े दानश्वर लोग आए थे डॉक्टर हिजिकल सरोज थे कमल फिरोज थे और सामुल प्यारा थे और ऐसे बहुत सारे लोग थे मैंने कहा यार आप मुझसे सिर्फ शेर सुनना चाहते हो लेकिन मेरा बोझ ये है नौजवानों की हेल्प करें जो जो बच्चे आपके चर्चेस में आते हैं जिन जिन को आप टच करते हैं देम टू गो टू स्कूल एंड गेट एजुकेशन दैट इज मीनिंगफुल जिससे उनको अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं